धमतरी शहर में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करते साइबर सेल एवं थाना कोतवाली द्वारा तीन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, जिसमें एक विदेशी संघर्षरत बालक भी शामिल था। आरोपियों को कब्जे से मादक पदार्थ गांजा कीमत 27,000 रुपए, एक मोटरसाइकिल कीमत 10,000 रुपए, दो नग पुराना मोबाइल कीमत करीबन 40,000 रुपए, कुल कीमती 77,000 रुपए किया गया जब्त। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर टीम एवं कोतवाली पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई। जिले में हो रहे अवैध रूप से जुआ सट्टा, शराब की बिक्री एवं मादक पदार्थ गांजा पर अंकुश लगाने के लिए सभी थाना प्रभारियों एवं साइबर सेल धमतरी को कार्रवाई हेतु सख्त निर्देश दिया गया। इसी तारतम्य में दिनांक 28/2/2023 को मुखबिर से सूचना मिला कि बस्तर रोड की ओर से अवैध गांजा की परिवहन की जा रही है, कि सत्यापन हेतु हमराह स्टाफ के कृषि उपज मंडी के सामने बस्तर रोड धमतरी के पास जाकर नाकाबंदी किया था। आरोपी बिंदेश्वरी देवांगन पति प्रेमचंद देवांगन उम्र 23 वर्ष विंध्यवासिनी बार्ड समारोह होटल के पीछे धमतरी, प्रेमचंद देवांगन पिता ओम प्रकाश देवांगन उम्र 23 वर्ष बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव चौक कोष्टापारा धमतरी विधि से संघर्षरत बालक को मौके पर पकड़कर एनडीपीसी के प्रावधानों के तहत विधिवत कार्यवाही कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। थाना सिटी कोतवाली जिला धमतरी के अपराध क्रमांक 68/2023 धारा 20 एनडीपीसी एक्ट के तहत कृषि उपज मंडी के सामने बस्तर रोड धमतरी से आरोपी विंदेश्वरी देवांगन पति प्रेमचंद देवांगन उम्र 23 वर्ष विंध्यवासिनी बार्ड समारोह होटल के पीछे धमतरी थाना सिटी कोतवाली धमतरी आरोपियों से जब्ती संपत्ति मादक पदार्थ गांजा करीबन 5 किलो 400 ग्राम कीमत 27,000 रुपए, एक दो पहिया मोटरसाइकिल क्रमांक CG05N5974 वाहन कीमत 10,000 रुपए, एक नग पुराना इस्तेमाली वीवो कंपनी का मोबाइल कीमत 5,000 रुपए तथा एक नग पुराना इस्तेमाली वन प्लस 10 Pro 5G कंपनी का मोबाइल कीमत करीब 35,000 रुपए, कुल कीमत 77,000 रुपए। जब्त कर आरोपियों के कृत अपराध धारा का पाए जाने से आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली धमतरी में धारा 20 नार्कोटिक्स एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है एवं विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड धमतरी में पेश किया जा रहा है एवं विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड धमतरी में पेश किया जा रहा है।